हेलो और मैं सर आपका स्वागत करता हूँ अपना चैनल पे। आपसे इंटरेस्ट है हर में जो करना है अपना। तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन की नजर से बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आपके लिए आई है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है 2021 की। ठीक है, तो आरवी यूनियन का नोटिफिकेशन जस्ट आउट हुआ है जिसमें आपका पोजिशन है जूनियर इंजीनियर और जूनियर केमिस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है और जो फाइनल ईयर है वो भी एलिजिबल है। ठीक है, तो जिन्होंने बी बीटेक किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, ट्रिपल ई और सिविल, तो ये ब्रांचेस अप्लाई कर सकती है। 946 पोस्ट होने वाली है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एज लिमिट, तो वो भी आपका 42 इयर्स होने वाले हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका एज लिमिट ऑलरेडी 30 के अबव है, तो उनके लिए ये शेयर कर दो वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए भी रहेगा। ठीक है, और उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो एक एक चीज अभी देखने वाले इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका है कि रिजर्वेशन जो है, अभी देखिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी स्टेट के हो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो रिजर्वेशन है मतलब आपका ओबीसी एससी एसटी, तो वो सिर्फ आपके राजस्थान के कैंडिडेट को ही मिलने वाला है। तो बाकी के जो भी कैंडिडेट है अदर स्टेट के ओबीसी एससी एसटी, आपको ओपन में फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ओपन के लिए आपका जनरल में कॉम्पिटिशन रहेगा, बाकी उनका जो है रिजर्वेशन वो राजस्थान के कैंडिडेट को मिलने वाला है। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए, तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपका दूसरा स्टेज होने वाला है। ठीक है, तो इतना बड़ा बात नहीं है, ऑब्वियसली आप कर सकते हो बाद में भी। अगर आपको हिंदी नहीं आता, इंग्लिश तो ऑब्वियसली सबको आता होगा यार, लेकिन हिंदी में प्रॉब्लम होगा तो आप हिंदी भी सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम सेंटर का उन्होंने लिस्ट दिया है ऑल ओवर इंडिया, तो देखते हैं क्या क्या सेंटर है, आपका सेंटर है कि नहीं। ठीक है, बाद में अभी एज लिमिट का समझ लीजिए कैसे है, थोड़ा डिफरेंट नोटिफिकेशन है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यूआर ईडब्ल्यूएस जो है वो 21 टू 42 इयर्स आपका एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, बाद में जो UREWS है स्टूडेंट SC ST BC MBC उनका जो रिजर्वेशन है, ठीक है, ये राजस्थान का रिजर्वेशन रहेगा और 21 टू 47 इयर्स आपका एज लिमिट रहने वाला है। और जो वुमेन कैंडिडेट है वो UREWS के, उनका 21 टू 47 इयर्स होने वाला है। ठीक है, ये आपका ऑल ओवर इंडिया के वुमेन आगे इसमें, और SC ST BC MBC मतलब रिजर्वेशन के लिए आपका 21 टू 52 इयर्स आपका एज लिमिट होने वाला है। तो देख सकते हैं आप बहुत अच्छा एज लिमिट आपका है इधर। बाद में एग्जाम सेंटर का लिस्ट आपके सामने है, तो राजस्थान के बहुत ज्यादा सेंटर है ऑब्वियसली, क्योंकि राजस्थान के रिक्रूटमेंट है। बाद में आया आपका दिल्ली आ गया, बाद में पंजाब के दो है, गुजरात के इतने हैं, महाराष्ट्र के तीन हैं और मध्य प्रदेश के चार हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेंटर से, तो राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो देख लीजिए अगर आपका स्टेट है कि नहीं, और किसी स्टेट के पास हो तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, सिटी भी उन्होंने दिया है इधर। ओके, तो आपका प्रोसेस क्या रहने वाला है, फर्स्ट आपका रिटर्न होने वाला है, उसके बाद आपका टाइपिंग होने वाला है हिंदी इंग्लिश का, बस इतना ही है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होने वाला है अगर आपका प्रॉपर स्कोर आता है तो। ठीक है, बाद में आपका जो कट ऑफ डेट है, एज लिमिट का कट ऑफ डेट भी उन्होंने 2022 रखा है, मतलब सभी कैंडिडेट जो है लगभग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो एज लिमिट का भी मुझे लगता नहीं कोई भी मतलब बाहर होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एज लिमिट है। ओके, फीस का देखिए फॉर्म का थोड़ा अलग है। UREWS कैंडिडेट अगर आपका इनकम 2.50 लाख से ज्यादा है, ओके, पर एनम, तो आपका फीस होने वाला है 1600 रुपीज, और अगर आपका इनकम 2.50 लाख से कम है तो आपका फी होने वाला है 1400 रुपीज, और जो रिजर्वेशन है मतलब एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनका तो 1400 रुपीज रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट फी स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है, बहुत ही अच्छा फी स्ट्रक्चर मिला है, ये फर्स्ट टाइम देखा ऐसा UREWS के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कल फॉर्म आपका चालू होने वाला है, तो जैसे फॉर्म आपका आएगा, ठीक है, आपका फॉर्म फिलिंग का वीडियो में आप डालने वाला हूं, तो प्रॉपरली आपको वो देखना है, बाद में फिर आप फॉर्म फिर फिल कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म में गलती तो एग्जाम में प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन में बाद में एंडिंग आपको होने वाला है 16 मार्च को, एग्जाम डेट के बारे में बाद में आपको उनका नोटिफिकेशन आएगा। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो ये आपका फर्स्ट फेज वन का है। ठीक है, फेज टू में आपका क्या रहने वाला है, टाइपिंग रहने वाला है, जैसे मैं आपको बोला कि आपका हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग रहने वाला है, 20 वर्ड्स पर मिनट का आपका स्पीड चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप एग्जाम के बाद भी कर सकते हो, लेकिन ये समझ लो पहले कि आपका टेक्निकल पोर्शन रहने वाला है 60%, तो जो भी आपका टेक्निकल ब्रांच है उसके रिलेटेड आपका सिलेबस आएगा, और नॉन टेक्निकल पोर्शन आपका 40% रहने वाला है। अभी नॉन टेक्निकल में देखते हैं क्या क्या है, तो आपका रीजनिंग है, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस है। ठीक है, अभी जीके आपका राजस्थान का भी बताना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली राजस्थान का रिक्रूटमेंट है, तो आपको इधर इंडिया के साथ साथ राजस्थान का भी स्पेसिफिकली करना है। ठीक है, जीके, बाद में हिंदी आपका आने वाला है, तो हिंदी आपको ग्रामर चाहिए, इसका इंफॉर्मेशन चाहिए, और इंग्लिश आपका आने वाला है जो कि आपका ग्रामर रहता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, और ये जो है ये स्पेशली आपको इधर ध्यान देना है कि मैथमेटिक्स आपका दिया है जो क्लास 12 लेवल का है। ठीक है, तो क्लास 12 का आपका मैथमेटिक्स आपको करना है, कॉन्ट नहीं है इसमें, कॉन्ट नहीं इसमें, आपका कॉन्ट आया तो आया, नहीं तो नहीं है कॉन्ट। ठीक है, अभी टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स है, टोटल मार्क्स आपका 200 है, और निगेटिव मार्क आपका 1/4 होने वाला है। लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश है, ऑब्वियसली हिंदी का पेपर हिंदी में आएगा, बाकी सब आपका पूरा पेपर जो है ये टेक्निकल
इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है। तो आपको हिंदी का भी नॉलेज चाहिए, इंग्लिश का भी नॉलेज चाहिए, सब तरह आपको चाहिए। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में अभी स्ट्रेटेजी वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे प्रिपेयर करना है। उससे पहले आपका फॉर्म फिलिंग का वीडियो आएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है मैं दे रहा हूँ, उसको आपको ज्वाइन करना है ताकि पूरा आरबीए यूनियन का जो प्रोसेस है उसके रेट आपको जानकारी मिलती रही फ्रीक्वेंटली, ठीक है। कुछ भी अभी डाउट है तो जस्ट नीचे कमेंट करना है आपको, और अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना है। ऑल द बेस्ट।